नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो आज है 26 मई 2021 एंड आज के दिन हम एक पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी बीपीसीएल की बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कल भी हमने डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी कंपनी के स्टेक सेल से लेकर, और वहां पर कंपनी के रिजल्ट पर सबकी नजर थी और साथ में डिविडेंड। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे रिजल्ट रहे, डिविडेंड पेमेंट कैसे रही, क्योंकि अभी पहले रिजल्ट आ चुके हैं एचपीसीएल और आईओसी के, उनके रिजल्ट में अच्छी इंप्रूवमेंट है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो। तो देखेंगे यहाँ पर क्या रहा है रिजल्ट, और साथ में आगे इंपॉर्टेंट ईयर रहना है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी एक बड़ी चेंजेस हो सकते हैं कंपनी में। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस मिलता रहे। बीपीसीएल आज 470 के आसपास है, अपने प्रीवियस जो हाई थे, लॉन्ग टर्म लेवल्स थे उनके आसपास स्टॉक होवर कर रहा है। यहाँ पर आप 5 ईयर देखें तो 2 बार लगभग 500 के आसपास स्टॉक में गिरावट आई है। मैक्सिमम टाइम फ्रेम में आप ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे, तो अब धीरे धीरे स्टॉक बुलिश मोमेंटम के साथ उन लेवल्स की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर चलिए अब रिजल्ट्स पर जाते हैं। उससे पहले डिविडेंड अपडेट देखें तो देखिए हैरान कर देने वाला डिविडेंड दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है फाइनल डिविडेंड ₹58 पर इक्विटी शेयर का। तो अभी हाल ही में एचपीसीएल ने 22 के आसपास दिया था, वही हैरानी वाला दिख रहा था, और यहाँ पर आप देखिए ₹58 का बड़ा डिविडेंड देखने को मिल गया, जिसमें 1 टाइम स्पेशल डिविडेंड ऑफ ₹35 इंक्लूडेड है। तो ऐसे में आप माइनस करके देख सकते हैं कि नॉर्मल डिविडेंड क्या है और साथ में स्पेशल डिविडेंड क्या है। तो ओवरऑल आप देखें तो ₹58 का बहुत बड़ा डिविडेंड कंपनी की तरफ से दे दिया गया, और ये एडिशन में है जब कंपनी ने ₹21 का इंटरिम डिविडेंड भी दिया था। तो इस साल आप देख सकते हैं डिविडेंड के मामले में अच्छा रहा है बीपीसीएल का रिजल्ट, यहाँ पर ₹58 का बहुत ही बड़ा डिविडेंड दे दिया है, तो इससे काफी हलचल हो सकती है इस स्टॉक के अंदर। चलिए अब रिजल्ट्स पर चलते हैं। यहाँ पहले हमें कौन से हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स प्रोवाइडेड हैं, करोड़ में सारे अमाउंट है, एंड हम लेटेस्ट क्वार्टर देखेंगे, लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे। जूम कर लेते हैं, टोटल इनकम क्या रही है, 1 लाख करोड़ के आसपास। लास्ट क्वार्टर थी 88,000 करोड़ एंड लास्ट ईयर 82,000 करोड़ के आसपास थी। इनकम में तो एक अच्छा खासा उछाल आ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर 1 लाख करोड़ का नंबर दिखाई दे रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल एक्सपेंसेस आप देखिए 95,000 करोड़ के रहे हैं। तो यहाँ से प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ इक्विटी, यानी सब कुछ आप हटा लें उससे पहले अगर प्रॉफिट आता है 5,274 करोड़। लास्ट ईयर ये लॉस था 1,440 करोड़ का। तो सेम ट्रेंड है जो बाकी पेट्रोलियम कंपनीज में हमें देखने को मिला रिजल्ट्स में, एंड लास्ट क्वार्टर 4,770 करोड़, तो लास्ट क्वार्टर से भी एक अच्छा उछाल दे दिया है कंपनी के प्रॉफिट्स में। वहीं पर अगर आप देखें एक्सेप्शनल आइटम इंक्लूडेड तो 11,700 करोड़ के आसपास हो जाता है कंपनी का प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्स। लास्ट ईयर स्टेज पर था 3,000 करोड़ के आसपास का लॉस एंड लास्ट क्वार्टर 3,558 करोड़। और यहाँ पर आप देखना चाहिए कि यहाँ पर इंक्लूडेड है एक्सेप्शनल आइटम जो 6,000 करोड़ के जो एडिड है, जिसे नंबर 5,200 करोड़ से बढ़कर 11,000 करोड़ के ऊपर हो गया। तो नीचे हम नोट्स में देखेंगे नोट नंबर 5 पर कि किस चीज की इनकम है ये। वहीं पर टैक्स एक्सपेंस आप देखें 1,144 करोड़ का, वो हटा लें प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या रहा है 10,641 करोड़। लास्ट क्वार्टर में था 1,900 करोड़ एंड लास्ट ईयर 1,800 करोड़ का लॉस। तो देख सकते हैं आप एक जबरदस्त प्रॉफिट में उछाला है ईयर ऑन ईयर, तो लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखें लगभग 5 गुना प्रॉफिट बढ़ गया है, जहां पर 6,000 करोड़ के कुछ एक्सेप्शन आइटम भी हमें प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहां पर देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर, तो हमें नीचे दिख जाएगा 51.57 तक पहुंच गया है लेटेस्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में था 7.96 करोड़ एंड लास्ट ईयर 9.39 नेगेटिव था, और ईयरली आप देख सकते हैं 81.87 का बड़ा नंबर हमें दिखाई दे रहा है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए रिफाइनरी थ्रूपुट इस बार इंक्रीज हुआ है 10.26, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। मार्केटिंग सेल्स आप देखिए 10.79 से बढ़कर हमें 11.25 दिखाई दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर, एंड सेल्स ग्रोथ का परसेंटेज है वो लास्ट ईयर 5.68 नेगेटिव था, जो बढ़कर 4.26% पॉजिटिव में आ गया है सेल्स ग्रोथ। एक्सपोर्ट सेल्स 0.65 है, जो लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 0.27 थी एंड लास्ट ईयर 0.5 थी। तो हर तरफ हमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिट में। अगर हम कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। 1 लाख करोड़ की कंपनी की इनकम है एंड एक्सपेंसिस 95,000 करोड़ के हैं। वहां भी आप देखिए एक्सेप्शनल आइटम ज्यादा इंक्लूडेड है 6,992 करोड़ के, जहां से तो ओवरऑल इनकम कंपनी की 11,900 लगभग 12,000 करोड़ के आसपास आ जाती है। लास्ट क्वार्टर थी 2,777 करोड़। तो सेम ट्रेंड दिख रहा है हमें स्टैंड अलोन में भी कि कंपनी के प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल आया है, और वहां पर कंपनी ने कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में एक अच्छा खासा स्पेशल डिविडेंड दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5th कॉलम में कि कंपनी को गेन हुआ है स्टेक सेल से एक सब्सिडियरी में, जहां पर 6,473 करोड़ हमें पॉजिटिव दिखा, और यहाँ पर नोट नंबर 3 में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 3rd कॉलम में आप देख सकते हैं कॉर्पोरेशन ने सेल किया अपना स्टेक एनआरएल में लगभग यहाँ पर ₹10 ईच के जो फेस वैल्यू थे वहां पर हमें 45 करोड़ से ऊपर शेयर सेल करते हुए दिखे हैं। जहां से आप ओवरऑल गेन देखेंगे सेल पर तो 6,473 करोड़ जो हमें एक्सेप्शनल आइटम में जुड़ता दिखा, और वहां पर आप देख सकते हैं इस बार अच्छा खासा स्पेशल डिविडेंड भी दे दिया है।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट्स में एक अच्छा प्रॉफिट आया है एंड वहाँ पर एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है। मेन फोकस रहेगा प्राइवेटाइजेशन पर कि किस तरीके से की जाती है वहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए कौन से नए डिसीजंस लाती है कंपनी। तो ये तो दोस्तों बीपीसीएल के रिजल्ट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।